कहीं दिन पहले मैं ऑथेंटिका के लिए एक फिल्म बनाने के लिए गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर स्थित झराप गांव में गया था। पहले वहां के महिलाओं का ज्यादातर समय ईंधन जुटाने में लग जाता था, जिसके कारण वो लोग अपने रोजगार पर ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन वहां के स्थानिक भागीरथ नाम के एनजीओ ने उन लोगों को बायोगैस उपलब्ध करवाया। ये गैस येण्यापूर्वी तुम्ही कशावर जेवण करत होते? शेकड्यावर। शेकड्यावर कसे तरीने? लाकडाने। लाकडाने लाकडाने तटवर आमचं जंगलातून लाकडं आणून। किती दूर जावं लागत होते? धरणावर। धरणावर म्हणजे इकडून किती वेळ लागतो? गॅस आयल्यावर मात्र बरे झालंय। बरं असा असे दोन भाग आपणाला दिसतील आणि दोन्ही गटांचा जोपर्यंत विकास होणार नाही तोपर्यंत देशाचा कधी विकास होऊ शकत नाही। त्याच्यापैकी सर्वसामान्य मनुष्यापर्यंत सामान्य भाषेत त्याच्या तत्वज्ञान शास्त्र टेक्नॉलॉजी जर पोचू शकली तर सामान्य मनुष्यसुद्धा ह्या मेन स्ट्रीमचा प्रवाहामध्ये येऊ शकेल, याच्यासाठी भगीरथ ग्राम विकास प्रतिष्ठान काम करत। जब मैं मेरे खोतीगाव में लौटा तो मुझे लगा कि झराप गाँव के महिलाओं की जो पहले की स्थिति थी उसी तरह की स्थिति आज हमारे गांव में अभी भी है। हमारे परिवार गांव में आज भी लोग लकड़ी पर खाना बना रही है। इसके कारण गोवा के गांव के महिलाओं का आंखों जैसी बीमारी और उसके साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है और लकड़ी के लिए पेड़ पौधे की कटाई भी हो रही है। लाकड़ाचे रहनता त्यांना किती किती त्रास होता? उज पेटना नु फुग मारता धूर रहता डोळ्या खोखली मारता डोळ्या दिसायना मागीर डोळ्याचा काबडले जाता। हमारे गोवा सरकार के कृषि विभाग में ये योजनाएं होते हुए भी लोगों के पास बायोगैस नहीं है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को पूरी से पूरी जानकारी अभी तक नहीं है। आपने हमारा ये वीडियो देखा है तो आपका भी कर्तव्य है कि ये अपनी जिम्मेवारी समझकर अपने गांव वाले आसपास के सभी लोगों को बता देना चाहिए कि ये इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने गांव के नजदीक वाले कृषि विभाग में संपर्क करें। मैं देविदास गांवकर, इंडिया अनर्ड के लिए, खोतीगांव, कणकोणा, गोवा से।